हे हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। बेसिकली आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन 164 का, जो डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 164 वन के आज जो भी प्रोविजन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। बेसिकली फर्स्ट प्रोविजन जो है सेक्शन 164(1) क्लॉज ए बोलता है अनसाउंड माइंड एज पर सेक्शन 164(1)(a)। ये अनसाउंड माइंड क्या हो रहा है, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कि देखो उसकी हालत ही नहीं है काम करने की। वो बंदा खुद को ही, वो कौन है उसको ये भी पता नहीं है, तो वो क्या काम कर सकता है। तो इसलिए कंपनीज एक्ट बोलती है कि अगर ये सिचुएशन होती है किसी भी डायरेक्टर के साथ, तो उस सिचुएशन में ही सी इज ऑफ अनसाउंड माइंड डिक्लियर बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर उसको डिक्लियर कर दिया है तो उसको कंपनी में मत रखो, उसको डिसक्वालिफाइड कर दो आप एज पर सेक्शन 164(1)(a) के अकॉर्डिंगली। समझ में आया? नेक्स्ट इसमें और एक बार सेक्शन 161 यहाँ पर क्लॉज बी है, ये बी बोलता है अनडिचार्ज इंसॉल्वेंट। देखो आपके पास किसी भी क्रेडिटर का पेमेंट करने के लिए कोई भी अमाउंट नहीं, आप बोल रहे हो मेरे पास पैसे ही नहीं यार, मैं किसी का भी पेमेंट, अल्टीमेटली आप क्या बन रहे हो वहां पर, इंसॉल्वेंट बन रहे हो। अगर कोई इंसॉल्वेंट पर्सन कंपनी में काम करेगा तो उसके साथ साथ कंपनी की इमेज भी खराब हो सकती है। इसलिए ऐसे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट पर्सन को आप क्या करो, कंपनी से बाहर निकलो, ऐसा कंपनी एक्ट बोलता है। तो प्रोविजन ये है, इफ ही सी इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, वो खुद बोलता है कि मैं आप पे नहीं कर सकता हूं, तो उस सिचुएशन में उसको कंपनी में रखने का कोई मतलब नहीं, उसको बाहर निकालो। नेक्स्ट अगेन एज पर सेक्शन 164(1) क्लॉज सी अप्लाइड टू बी एजुकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट। देखो आपने एप्लीकेशन किया है एजुकेटिंग अथॉरिटी से कि यार अब मैं क्या, मैं अब किसी भी तरह से कोई भी पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, मुझे इस लायबिलिटी से मुक्त कर दो, मैं अब कोई भी पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। देखो वो एप्लीकेशन राजा के सामने पड़ रहा है और वो डिस्कशन चल रहा है। तो ये प्रोविजन क्या बोलते हैं, एक बार कंपनीज एक्ट 2013 में इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है। इन केस ही सी हैज अप्लाइड टू एजुकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, देखो इसने अप्लाई किया है एजुकेटेड को इंसॉल्वेंट सी के लिए, एंड हीज एप्लीकेशन इज पेंडिंग इन द कोर्ट। यहाँ पर उन्होंने कोई जजमेंट दे दिया है क्या? नहीं, वो डिस्कशन कर रहे हैं। मगर इसका मतलब क्या होता है, ये जो एप्लीकेशन किया है ये पेंडिंग इन द कोर्ट। तो भी अगर आप खुद जाकर अप्लाई कर रहे हो, भले ही डिसीजन पेंडिंग है आपका, तो उस सिचुएशन में क्या होना पड़ेगा, आपको डिसक्वालिफाइड होना पड़ेगा आपके डायरेक्टरशिप से। तो ये प्रोविजन होता है सेक्शन 164(1) का। नेक्स्ट देखो यहां पर सेक्शन 164(1)(d) बोलता है, क्लॉज डी, ही हैज बीन कॉन्विक्टेड और फाउंड गिल्टी बाय अ कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस। आप कोई भी ऑफेंस करेंगे तो पुलिस वाले आपको पकड़ के लेके जाएंगे, प्रोहिबिशन करोगे किसी लॉ का, कोई ऑफेंस करेंगे तो पुलिस वाले आपको छोड़ेंगे क्या? नहीं। तो उस सिचुएशन में आपको पकड़ के लेके जाएगा और वहां पर आपको जो भी है हायरिंग चलेंगी कोर्ट में, कोर्ट में जजमेंट दिया जाएगा कि आप कॉन्विक्टेड हो, आपने गलती की है। तो उस सिचुएशन में अगर आपने गलती की है तो आपको कंपनी में रखने से क्या होगा, फिर से कंपनी का रेपुटेशन खराब हो जाएगा और इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर डिसक्वालिफाइड किया जाता है। यहाँ पर प्रोविजन है फर्दर मोर इन केस ही हैज बीन कॉन्विक्टेड और फाउंड गिल्टी बाय अ कोर्ट। आप यहाँ पर क्या हो गए, एनी क्राइम किया आपने, कुछ भी क्राइम किया, किसी को मारा, किसी को आपने चाटा मारा, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दिया, क्राइम ही है ना यार। तो उस सिचुएशन में फाउंड गिल्टी, आप गिल्टी साबित हो गए बाय अ कोर्ट, कोर्ट ने आपको गिल्टी ठहराया। एनी ऑफेंस इट्स में इंक्लूड्स ऑफेंस रिलेटेड टू मॉरल टर्पिट्यूड, अगर आपने मॉरल टर्पिट्यूड भी किया हो तो भी आपका यहाँ पर क्या, कोई प्रोविजन लॉ के ब्रेक किए तो भी आपको यहाँ पर गिल्टी कंसिडर किया जाएगा, और एनी अदर ऑफेंस, और उसके साथ साथ कोई अदर ऑफेंस किए तो भी आपको यहाँ पर क्या कंसिडर किया जाएगा, आपको गिल्टी कंसिडर किया जाएगा। तो उस सिचुएशन में फर्दर मोर इफ अ पर्सन हैज बीन सेंटेंस इन रिस्पेक्ट देयर फॉर टू इम्प्रिजमेंट, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गिल्टी हो, आपको कोर्ट ने साबित कर दिया कि आप यहाँ पर
क्या हो, गिल्टी हो, आपने क्राइम किया है, ये साबित कर दिया कोर्ट ने, मगर उसके बाद भी एक यहाँ पर ध्यान दो, इम्प्रिजमेंट पर आपको अगर वहाँ पर पनिशमेंट मिली है, यानी कि इम्प्रिजमेंट मिली है कब, कितने मंथ के लिए, लेस देन 6 मंथ, एंड इफ अ पीरियड ऑफ 5 ईयर हैज नॉट एलेप्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब आपको मिनिमम 6 मंथ, यानी कि नॉट लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ का आपको क्या कर दिया उन्होंने, इम्प्रिजमेंट बोला है कि आपको 6 मंथ कोर्ट, यानी कि जो भी है हमारा, जेल में रहना पड़ेगा, उसके साथ साथ नॉट मोर देन 5 ईयर्स। अगर आपको 6 मंथ से 5 ईयर तक आपको इम्प्रिजमेंट यानी कि जेल में वो रखेंगे, तो उस सिचुएशन में आपको क्या ये कंपनी डायरेक्टर बोल के रख सकती है क्या? नहीं, ये कंपनी आपको सीधा डिस्क्वालीफाइड कर देगी, बाहर निकाल देगी धक्के मारकर, भैया तेरे वजह से रेपुटेशन खराब होती है कंपनी के, तू विजय माल्या का भाई निकला हमारी कंपनी में, तेरा कोई काम नहीं। तो ये होता है यहाँ पर प्रोविजन। ओके नेक्स्ट, देन देख रहे हैं यहाँ पर जज, यहाँ पर पुलिस वाला भी दिख रहा है आपको, ये पब्लिक भी दिख रही है, तो ये देखते हैं हम ये सेक्शन क्या बोलता है। सेक्शन 164(1)(e) ऑर्डर हैज बीन पास बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अगर कोई भी ऑर्डर पास करता है कोर्ट और आपको पकड़ लिया पुलिस वाले ने, कोई आपने क्राइम किया, तो उस सिचुएशन में आपने फ्रॉड वगैरह किया, तो उस सिचुएशन में एक ऑर्डर कोर्ट ने पास कर दिया और ट्रिब्यूनल ने पास कर दिया, वो ऑर्डर क्या होता है देखते हैं, प्रोविजन क्या बोलते हैं। अल्सो इफ एन ऑर्डर हैज बीन पास बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल डिस्क्वालिफाइड हिम फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर एंड द ऑर्डर स्टिल्स इन फोर्स। जब तक आप यहाँ पर क्या होते हो, कोर्ट ने ऑर्डर आपके कोर्ट ने और ट्रिब्यूनल ने आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर किया है, ऑर्डर दिया है, तो उस सिचुएशन में आप एज अ डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम ही अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर, आप किसी कंपनी में अपॉइंटमेंट भी नहीं ले सकते हो जब तक वो आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन या प्रोसीजर चल रही है तब तक। ओके नेक्स्ट देखते हैं, देन यहां पर सेक्शन 164(1)(f) नॉट पेड एनी कॉल्स रिलेटेड टू एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय हिम। हमें बहुत बड़ा शौक होता है, हम डायरेक्टर बनते हैं कंपनी में और डायरेक्टर बनते हैं हमारे पैर पसरने स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कमाओ वहाँ से कमाओ, तो उस सिचुएशन में आपने क्या किया, शेयर कैपिटल, शेयर परचेस किए कंपनी के, अब शेयर परचेस किए आप हो गए इंसॉल्वेंट एज पर सेक्शन 164(2) के अकॉर्डिंगली, आपने डिस्चार्ज कर दिया आपने आपको, तो वहाँ पर तो आप डिस्क्वालीफाइड हो गए, मगर आप यहाँ पर 6 मंथ तक कोई भी कॉल पेमेंट नहीं करते हो शेयर का, तो उस सिचुएशन में आपको डिस्क्वालीफाइड कंसीडर किया जाता है। प्रोविजन देखो, अगर शेयर होल्डर पेमेंट, अगर आप डायरेक्टर बनते हो और शेयर के पेमेंट नहीं करते हो अप टू 6 मंथ, तो आप कंपनी शेयर होल्डर से क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि यार जो कंपनी चलाने वाला पर्सन है, डायरेक्टर है, वही पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में उधर से क्या एक्सपेक्ट, शेयर होल्डर तो बेचारे साल में एक बार आते, तो इसका मतलब इस डायरेक्टर को कंपनी से बाहर निकाल दो, इसका कोई काम नहीं है। तो ये प्रोविजन होता है, यहाँ पर हम प्रोविजन पढ़ते, मोर एवर इन केस वेयर द डायरेक्टर हैज नॉट पेड एनी कॉल्स रिलेटेड टू शेयर्स, रिलेटेड टू एनी शेयर्स, यहाँ पर वर्ड देखना, एनी शेयर्स, कोई भी शेयर्स हो of company held by him along or jointly with others officers, अगर उसने खुद में ले लिए तो भी चलेगा, अगर उसने दूसरे ऑफिसर के साथ, चल भाई मैं तेरे, तू और हम दोनों लेते हैं ये शेयर्स, उसने ऐसे जॉइंटली लिए तो भी वहां पर क्या कंसिडर किया जाएगा, डिस्क्वालीफाइड कंसिडर किया जाएगा, कब, एंड 6 मंथ हैव पास फ्रॉम द लास्ट डे डिसाइड फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉल्स। अगर आपको कंपनी ने बोला है कि भाई कॉल पेड कर दे, तेरा कॉल अमाउंट जो भी है वो पेड कर दे, आपने बोला कंपनी का मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं काय को पेड करो, आपने 6 मंथ तक कोई भी पेमेंट नहीं किया, तो इस सिचुएशन में कंपनी आपको बाहर का रास्ता दिखाई देंगी, कंपनी आपको क्या करेंगी, कंपनी में नहीं रखेंगी, चल भाग बोलेंगी। तो ये ध्यान में रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्क्वालिफिकेशन का। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है, आप गार्डन वगैरह दिख रहा है, यहाँ पर रिलेटेड पार्टी हस्बैंड वाइफ दिख रहे हैं आपको, तो आप सेक्शन 181 की बात करेंगे जी, ये है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आप कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करते हो तो उस सिचुएशन में भी आप डिस्क्वालीफाइड होते हो। मैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एकदम डिटेल में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, बस मैं यहाँ पर कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो रिलेटेड पार्टी, तो उस सिचुएशन में आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाता है।
ओके वो किस तरह से डिस्क्वालिफाइड करते हैं ये एक बार देखते हैं. ही हैज बीन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस डीलिंग विथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एज पर सेक्शन 188 एट एनी टाइम ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स. अगर आपने किसी भी लास्ट 5 ईयर्स में कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा किया है जो रिलेटेड है और जिससे लॉ आपने ब्रेक किया है सेक्शन 188(1) के अकॉर्डिंगली आपको डिस्क्वालिफाइड किया जाता है. सेक्शन 188(1) को मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ. बस यहाँ पर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी की जिसका एक्सप्लेनेशन डिस्क्लोजर आपने नहीं दिया है तो उस सिचुएशन में ये समझ लेना आपको यहाँ पर डिस्क्वालिफाइड किया जाता है. रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करो मगर उसके डिस्क्लोजर दो यार. जितना भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो डिस्क्लोजर दो तभी आपकी डायरेक्टरशिप यहाँ पर बच सकती है. यहाँ पर हो गया रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन खत्म. अब जो अमेंडमेंट आया है वो भी एक बार देखते हैं. तो ये एफ क्लॉज बोल के आया है नया तो यहाँ पर देखते हैं. सेक्शन 164 फर्दर मोर हैज नॉट कंप्लाई विथ सबसेक्शन 3 अपॉइंटमेंट के सेक्शन है सॉरी अपॉइंटमेंट सबसेक्शन 3(152) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ये भी मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ. बस आप एक सेक्शन 152 में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है ये ध्यान में रखना. और यहाँ पर अगर आप अपॉइंटमेंट के कोई भी प्रोविजन या कंप्लायंस को ब्रेक करते हो तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर डिस्क्वालिफाइड किया जाता है एज पर सेक्शन 153 को ब्रेक करते हो तो 152(3) को ब्रेक करते हो तो. ओके नेक्स्ट. अब यहाँ पर आपको बिठाया जाएगा घर पे. आपने अगर कोई भी कांड ऐसा किया है जो लीगल है मगर फिर भी कंपनी एक्ट बोलता है वो कांड इलीगल है तो ये कांड कौन सा होता है. ही हैज फाइल्ड टू कंपनी विद प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 165. देखो डायरेक्टरशिप अगर आपको समझना है तो डायरेक्टरशिप के लिए सेक्शन बनाया गया है 165 में आपको दी है अपॉर्चुनिटी. मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर आप कंपनी में बन सकते हो कितने 20 कंपनी में आप डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर वर्क कर सकते हो. लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी की बात करें तो आप 10 कंपनीज में आप एज ए डायरेक्टर वर्क कर सकते हो. रिमेनिंग आप 10 कंपनीज जो है वो आप क्या कर सकते हो प्राइवेट कंपनी में एज ए डायरेक्टर वर्क कर सकते हो. अगर आपने ये 10 का लिमिट एक्सीड कर दिया ये लिमिट का कोई प्रॉब्लम नहीं. आप प्राइवेट कंपनी में 15 भी डायरेक्टरशिप ले सकते हो मगर आपने लिस्टेड और पब्लिक कंपनी में डायरेक्टरशिप 10 और मोर डायरेक्टरशिप ले ली तो उस सिचुएशन में आपको क्या कंसिडर किया जाएगा डिस्क्वालिफाइड कंसिडर किया जाएगा. ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना. इसको भी मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ. इसका भी वीडियो आपको जल्दी से मिल जाएगा. सो यहाँ पर प्रोविजन पढ़ते हैं. नो पर्सन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शॉल हेड ऑफिस होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग अल्टरनेटिव डायरेक्टर इन मोर देन 20 कंपनीज एट द सेम टाइम. अगर आप 20 कंपनी में एट सेम टाइम वर्क करते हो. सर सुनो ना मैं 20 कंपनी में वर्क कर रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रोविजन को आप फॉलो कर रहे हो प्रोविजन के अकॉर्डिंगली सही है. मोर देन 20 कंपनी गए हो भैया हो तो आपका डायरेक्टरशिप वहां पर गया आपको सभी कंपनी से डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा. एक तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप जो भी कंपनी है उसका आप एक्स्ट्रा कंपनी से रेजिग्नेशन दे दो अदरवाइज आपको सब कंपनी से हकाल दिया जाएगा. यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना. यहाँ पर पढ़ते हैं और एक बार. प्रोवाइडेड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज इन विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंट एज अ डायरेक्टर शॉल नॉट एक्सीड 10. यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज मैंने यहाँ पर बात की थी स्टार्टिंग में तो 10 कंपनीज के एक्सीड आपको नहीं जाना. यहाँ पर आपने पब्लिक 11 कंपनी में आपने क्या कर दिया एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो गए आप तो उस सिचुएशन में अब आपको हकाला जाएगा. तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा सा. फॉर रॉकिंग द लिमिट ऑफ पब्लिक कंपनीज इन विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर डायरेक्टरशिप इन अ प्राइवेट कंपनी दैट आर इन आइदर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज ऑफ कंपनी शॉल इंक्लूडिंग. अगर आप किसी पब्लिक कंपनी के क्या प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी है तो इस सिचुएशन में ये भी कंपनी आपकी पब्लिक कंपनी कंसिडर किए जाएंगी और ये भी नंबर यहाँ पर कवर होता है. एक्सप्लेनेशन 1 है उसका. एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है फॉर रॉकिंग द लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप 20 कंपनीज द डायरेक्टर शिप इन डॉर्मन कंपनी शॉल नॉट इंक्लूड. जो भी डब्बा कंपनी होती है डॉर्मन कंपनी
उसको हमें यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है गाइज। ये है आज सेक्शन 164(1) के पूरे प्रोविजन। मैंने इन डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किए हैं, यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड का डिस्कशन मैंने किया है। आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि रिमेनिंग सेक्शन जो है 164(2)(3) का क्या करने वाले हो। 2(3) का मैं कल वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, डेली आपको लॉ के वीडियो मिलेंगे। सो गाइज वंस अगेन टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और मुझे जरूर आपकी राय यहाँ पर इस वीडियो पर देना। सो गाइज टेक केयर, बाय बाय वंस अगेन।